नेक्स्ट टॉपिक इज लिमिटिंग रिएजेंट। एक्चुअल में होता क्या है लिमिटिंग रिएजेंट, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जैसे मान लो दो रिएक्टेंट है, दो रिएक्टेंट रिएक्ट करके कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं। अब एक के लिए दूसरे का अमाउंट प्रेजेंट नहीं है, एक यानी ज़्यादा अमाउंट में है और दूसरे का अमाउंट प्रेजेंट नहीं है और प्रोडक्ट बन गया और हमने इसके अकॉर्डिंग आंसर निकाल दिया, गलत हो गया ना। इसके लिए दूसरा था ही नहीं रिएक्ट करने के लिए, लेकिन इसके लिए तो दूसरा था, वो एक्सचेंज में बच गया था। तो प्रोडक्ट किसके अकॉर्डिंग निकलेगा, इसके अकॉर्डिंग निकलेगा। इसी को हम लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। तो लिमिटिंग रिएजेंट को कैसे डिफाइन करा जाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट इज दैट रिएक्टेंट विच इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन, विच इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन, पूरी तरीके से खत्म हो जाए, वो लिमिटिंग रिएजेंट है। और अकॉर्डिंग टू द लिमिटिंग रिएजेंट ही प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। सो लिमिटिंग रिएजेंट इज व्हाट? That reactant which is completely consumed in the reaction is known as लिमिटिंग रिएजेंट। अकॉर्डिंग टू लिमिटिंग रिएजेंट प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। According to the limiting reagent, product is formed. अब देखिए limiting reagent के question, हम कैसे पता लगाएं कि ये limiting reagent है? क्या आसान सा तरीका होना चाहिए? मैं एक example से पहले बताता हूँ, फिर इस पर question कराता हूँ। पहले आप example से समझिए कि कैसे limiting reagent find करा जाएगा। मान लीजिए एक question ये दे दिया जाए कि एक reaction है A प्लस टू बी गिव्स थ्री सी, राइट? फाइव मोल ऑफ A रिएक्ट्स विथ एट मोल ऑफ B टू फॉर्म C। How many maximum moles of C are formed? देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। पांच मोल ए के आठ मोल बी से रिएक्ट करके सी बना रहे, हाउ मेनी मैक्सिमम मोल ऑफ सी आर फॉर्म। एक्चुअल में कोई भी रिएक्शन जो होती है वो मोल्स की फॉर्म में होती है। इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे कि एक मोल ए का दो मोल बी से रिएक्ट करके तीन मोल सी बना रहा है, यही तो बोला जाएगा। यहां पर मुझे दे रखा है, ये पांच मोल दे रखे हैं, ये आठ मोल दे रखे हैं। अब इसका आसान सा तरीका, मान लो ये ग्राम में होता तो पहले मोल बनाने पड़ते, यहां डायरेक्ट मोल दे रखे हैं। इसका आसान सा तरीका सुनिए, जितने भी मोल दे रखे हैं इसे आगे के कॉफिशियंट से डिवाइड कर दीजिए, आगे के कॉफिशियंट से डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पर एक से डिवाइड करेंगे एक नंबर मिलेगा, यहाँ पर दो से डिवाइड करेंगे एक नंबर मिलेगा। बहुत आसान तरीका, आगे के कॉफिशियंट से डिवाइड कर दिया।
आगे के कोफिशियंट से डिवाइड करने के बाद जो भी नंबर कम आएगा वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा। सिंपल, ये चार आ गया, दिस इज द लिमिटिंग रिएजेंट। इसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। तो अब हमारा क्वेश्चन हो गया, हियर बी इज द लिमिटिंग रिएजेंट। अगर मान लो ये ग्राम में गिवन होता तो पहले बस एक स्टेप और बढ़ जाता, मोल बना लीजिए। मोल बनाने के बाद ही आप डिवाइड कर सकते हैं, तभी आपका लिमिटिंग रिएजेंट आएगा। चाहे तीन रिएक्टेंट हो, चार रिएक्टेंट हो, फटाफट आपका लिमिटिंग रिएजेंट और उसी से आप प्रोडक्ट बना दीजिए। तो यहां पर हियर बी इज द लिमिटिंग रिएजेंट, बी इज द लिमिटिंग रिएजेंट। सो टू मोल बी दे रहा है 3 मोल सी, इसलिए 8 मोल बी गिव 3/2 × 8, 2 × 4 = 8, दैट इज 12 मोल सी, दैट इज 12 मोल सी। ये आपका आंसर हो गया। ये मैंने एक एग्जांपल बताया कि अभी हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं कि आपको कैसे भी दे रखा है मोल को आगे के कोफिशियंट से डिवाइड करना है, मोल नहीं गिवन है, ग्राम में गिवन है, तो उसे पहले मोल बनाने पड़ेंगे और आगे के कोफिशियंट से डिवाइड करने के बाद जो भी नंबर कम आएगा वही आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा, वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा, राइट। आगे बढ़ते हैं, अब इसके जरा क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं।